समय आप नकली शराब की बरामदगी किए हुए हैं, क्या है मामला इसके ऊपर? देखिए, कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर में एक गांव है सिरसी। सिरसी गांव में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलती है कि हाँ, अवैध शराब का कुछ निष्कर्षण हो रहा है या काम हो रहा है। तो वहां पर हमारी पुलिस कोतवाली की टीम, इंस्पेक्टर विपिन सिंह उसके नेतृत्व में उनकी टीम जाती है और वहां पर जब इंटरसेप्ट करती है तो वहां पर तलाशी के दौरान तमाम चीज़ें मिलती हैं। इसमें 1625 शीशियाँ मिलती हैं, केमिकल्स मिलते हैं, शीशियाँ मिलती हैं, लॉर्ड्स स्ट्रीट लिखा हुआ QR कोड मिलता है और 100 लीटर स्प्रिट मिलती है जिसे शराब बनाते हैं, और बाकी और चीज़ें मिलती हैं जिसे कंघी से वो उसको सील करते हैं, उस शीशी को जो होता है वो मिलता है, और एक टोटी मिलती है जिसमें 200 ml भरने के लिए वो काम लेते हैं उससे जिसे, और एक तरीके से पूरा जो भंडारण का सिस्टम होता है, बनाने का सिस्टम होता है। और एक ये भी जानकारी पूछताछ से मिलती है कि वो एक टेम्पो रात में आता है 10 बजे 11 बजे रात में, तो विभिन्न स्थानों पर इसको लेके जाते हैं, जिसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। इन अभियुक्तों एक कटरा, 2 कटरा कतौली के रहने वाले हैं, और बबुन सरोज, अजय कुमार और राजेश सोनकर, ये 3 मुलजिम पकड़े गए हैं, जिसमें पहला जो मुलजिम है आपका सरोज जो है वो रहने वाला आपका इमामबाड़ा का है, और 2 मुलजिम कटरा के रहने वाले हैं। ये मुख्यतः, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अभी कैरियर ज़्यादा है इसके घर में। सोनकर जो ये आपका है सिरसी के रहने वाला सरोज है, इसी के घर में जो है पूरा ये कार्यक्रम चल रहा था, पूरा ये सिस्टम से बन रहा था। और संजय जायसवाल जो इसका मुख्य अभियुक्त है, जो इस सारे काम धाम को सारा सामान वगैरह सप्लाई करता है और ये कहाँ सप्लाई होना है वो सारा सिस्टमेटिकली वही तय करता है। बाकी लोग अभी केवल उसके असिस्टेंट रूप में काम कर रहे थे। संजय जायसवाल की गिरफ्तारी बाकी है, अभी जो पूछताछ से जानकारी मिली है इतनी ही मिली है, बाकी तफ्तीश जारी है और तथ्यों पर और भी गंभीर कार्रवाई की जाएगी। क्या पुलिस के इस काम पे कुछ टीम को इनाम वगैरह दिया गया? हाँ, पुलिस अधीक्षक महोदय से मेरी वार्ता हुई है, उन्होंने 10,000 रुपये का इनाम उन्हें घोषित किया है, और टीम ने चुनाव के समय में ये अच्छा काम किया है कि लगभग 450 लीटर इस तरह से इलिसिट लीकर बरामद किया है। निश्चित तौर से ये प्रशंसा की योग्य है। ओके।